मेरे पास काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सुनो चंदा, सीज़न 3 के बारे में कोई अपडेट दे। फिलहाल कोई प्रॉपर अपडेट तो नहीं आई, लेकिन कुछ प्रडिक्शंस हैं और कुछ डिस्कशन है जो हम इस ड्रामे के बारे में कर सकते हैं। पहले ये डिसाइड हुआ था कि काला डोरिया, जो कि मैम साइमा अकरम चौधरी का एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा होने वाला है, वो ड्रामा फ्लोर्स पर तकरीबन अगस्त में जाना था। उसके मतलब डायरेक्टर की और उसकी कास्ट की अनाउंसमेंट होनी थी, लेकिन उसके बाद मतलब उसे एक दफ़ा साइड में कर दिया गया। और अब जो ड्रामा फरहान सईद करने लगे हैं वो है मेरे हमसफ़र, जिसका इनिशियल टाइटल झूठी था, जो हानिया आमिर के साथ कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि इकरा जीद अपनी प्रेगनेंसी की फेज से फ्री होकर जो पहला ड्रामा साइन करेंगी वो काफ़ी ज़्यादा डिसाइसिव होगा कि वो सुनो चंदा सीजन 3 करती है या नहीं। या तो वो पहला ड्रामा सुनो चंदा 3 होगा, या पहला ड्रामा ही डिसाइड करेगा कि सुनो चंदा सीजन 3 आएगा या नहीं। और ये भी तब मुमकिन है जब फरहान सईद फ्री होंगे। तो अभी फरहान सईद तकरीबन रुसवाई, जो उनकी वेब सीरीज आ रही है हानिया के साथ ही, उसकी शूटिंग तकरीबन 70-80% कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा अभी उन्होंने झूठी ड्रामा जो था, जिसका इनिशियल टाइटल झूठी था, अभी मेरे हमसफर है, उसे साइन कर लिया और वो भी तकरीबन उसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी उस ड्रामे की शूटिंग को 2 या 3 मंथ और लगेंगे कंप्लीट होने में। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि काला डोरिया करते हैं या सुनो चंदा करते हैं। अब फरहान सईद चूँकि बिजी हैं, तो इकरा अजीज़ भी मतलब इस अगर प्रोजेक्ट को साइन करती हैं सुनो चंदा को, तो उनको भी आगे काफ़ी टाइम मिलेगा रिहर्स करने में या कुछ भी करने में। लेकिन अब मुश्किल लग रहा है थोड़ा, क्योंकि अभी फरहान सईद के पास रुसवाई भी कंप्लीट करने को पड़ा है, इसके अलावा उन्होंने इसकी शूटिंग भी करनी है मेरे हमसफर की, जो हानिया आमिर के साथ है, इसके बाद उन्होंने काला डोरिया करना है या सुनो चंदा सीज़न 3 करना है, ये अब देखना होगा। तो अगर इसकी अनाउंसमेंट होती है तो इसकी प्रॉबेबली अनाउंसमेंट दिसंबर या जनवरी में होगी सुनो चंदा सीज़न 3 की। क्योंकि अगर ये लोग सुनो चंदा सीज़न 3 को साइन करते हैं जनवरी में, तो तकरीबन 1.5 या 2 मंथ में वो ड्रामे की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि उसे डे एंड नाइट शूट किया जाता है और 30 दिन में उसकी शूटिंग कंप्लीट होती है। तो पिछली दफ़ा तो ये भी हुआ था कि ईद से 2 दिन पहले उसकी लास्ट एपिसोड को शूट किया जा रहा था, तो इस वजह से भी। बाकी कुछ ब्लंडर्स थे सीज़न 2 में, कुछ ऑन सेट लड़ाइयाँ थी, तो इस वजह से भी सीज़न 3 को आने में कुछ टाइम लग गया, और फिर कोरोना था। तो अभी दिसंबर या जनवरी में इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी, अगर इस सीज़न में इस दफ़ा आना है तो, वरना फिर इसे नेक्स्ट टाइम तक के लिए डिले कर दिया जाएगा 2023 तक के लिए। अगर मतलब टाइम पे शूटिंग नहीं हो पाती या दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी रहते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी इकरा अजीज़ एक ड्रामा शूट करके फिर दूसरे ड्रामे के लिए मतलब सुनो चंदा के लिए शूट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो खुदा और मोहब्बत शूट हुआ था उसे तकरीबन 1 या 1.5 साल लगे थे शूट होने में। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट करती हैं तो वो दिसंबर तक शूट हो जाएगा, फिर फरहान सईद भी फ्री हो जाएंगे और ये भी, फिर जाके सुनो चंदा का मतलब अनाउंसमेंट होगी और उसकी शूटिंग होगी। बाकी आप बताएं कि आप सुनो चंदा सीज़न 3 का कितना वेट कर रहे हैं। अभी तक जो मेरे पास डिस्कशन करने के लिए थी या जो भी अपडेट थी वो मैंने सारी आपको दे दी। अभी कोई प्रॉपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी या कोई भी छोटी मोटी रिपोर्ट या सोर्सेज से भी कुछ पता चलेगा ना, तो मैं सुनो चंदा सीज़न 3 पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। बाकी फिंगर क्रॉस्ड, और देखते हैं कि सीज़न 3 के साथ अभी क्या होता है, बनता है या नहीं। बाकी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपको जो भी क्रू या कास्ट का जो भी मिले उनसे डिमांड करते रहें अपनी, और बाकी मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट्स करते रहें, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर सिर्फ हम ही हैं जो सुनो चंदा सीज़न 3 के बारे में बात करते हैं, इसके अलावा कोई भी आपको ओरिजिनल न्यूज़ नहीं देता या इसके बारे में बात नहीं करता। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें कि आप सुनो चंदा का कितना इंतज़ार करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।